एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अंडर हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के अंडर जितने भी चैप्टर्स आते हैं उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखिएगा, ताकि उन चैप्टर्स में जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, आपको उनका आइडिया लग जाए। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। यूनिट नंबर 3 है आपकी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें जो पहला चैप्टर आता है वो होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। जिन टर्म्स में मैं आपको कहूंगी कि स्टार मार्क करिए, मतलब वो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी फुल फॉर्म्स। इस चैप्टर में 3 फुल फॉर्म्स हैं, फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा, मार्ट एंड एचआईवी। ये तीनों फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से पढ़नी है, तीनों में आप स्टार मार्क करेंगे। फिर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है, इस पे आप डबल स्टार मार्क करेंगे। इस चैप्टर से आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर या फिर शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन आता है जो कि आपको एक पैरा में खत्म करना है, व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ पैथोजन, डेफिनेशन ऑफ विडाल टेस्ट, इम्यूनिटी, विड्रॉल सिंड्रोम, मेटास्टासिस एंड कोलेस्ट्रम, ये आपको डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। इन सारी डेफिनेशंस में से डेफिनेशन ऑफ विड्रॉल सिंड्रोम, मेटास्टासिस एंड पैथोजन, इन पे आप स्टार मार्क करेंगे और इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं जैसे ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, इन सब ड्रग्स का नेचर क्या होता है, इनका सोर्स क्या होता है, ये बॉडी के किस रीजन में जाकर एक्ट करते हैं, ये तीन चीजें, ये तीन पॉइंट आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में ये सारे क्वेश्चंस थे। शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें तो शॉर्ट आंसर में सबसे पहले आता है डिफरेंशिएट करने को, डिफरेंशिएट बिटवीन इंफेक्शियस एंड नॉन इंफेक्शियस डिजीजेस, स्टार मार्क करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डबल स्टार मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की, तो आपके पास शॉर्ट नोट ऑन एड्स, स्टार मार्क करेंगे। आपके इस चैप्टर में जितनी भी डिजीजेस दी हुई है, हर डिजीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है, वो डिजीज क्यों होती है, उसका रीजन, उसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे प्रिवेंट की जा सकती है ये डिजीज, इसके बारे में आपको तीन पॉइंट्स तो पता होने चाहिए। ये तीन सब टॉपिक्स आपको इंक्लूड करने चाहिए हर डिजीज को पढ़ते हुए, डिजीज क्यों हुई, कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है और आप अपनी बॉडी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उस डिजीज से। उस डिजीज का डायग्नोसिस के लिए अगर कोई टेस्ट भी मेंशन करा हुआ है तो आपको आना चाहिए। तो डिजीज के बारे में आप ये सारे पॉइंट्स लर्न करेंगे, द कॉज ऑफ द डिजीज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। शॉर्ट नोट के लिए आप 8 टॉपिक प्रिपेयर करेंगे और एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज पे शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है, तो ये भी आपको पढ़ना होगा। ये थी शॉर्ट आंसर टाइप की बात। अब लॉन्ग आंसर टाइप की बात करते हैं, व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट आर द डिफरेंट types of immunity, double star mark करेंगे, इस question को अच्छे से prepare करेंगे। Explain the various stages in the life cycle of plasmodium, diagram के साथ आपको अच्छे से आना चाहिए। Explain the replication of retrovirus, इसको भी आपको अच्छे से prepare करना है। तो long answer type की form में immunity and its types, the various stages of plasmodium and replication of retrovirus, ये तीनों topic बनते हैं long answer के लिए। तो इस chapter से यही सारे important topics थे। अब काफी students को लग रहा होगा कि मैंने तो almost सारे topics include कर दिए, लेकिन जिन चैप्टर से मुझे लगता है कि कई बार इन टॉपिक से पूछा गया है तो मैं आपको वही टॉपिक्स बता रही हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा चैप्टर या फिर पूरे टॉपिक्स इंक्लूड कर रही हूं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताना मेरा फर्ज है। अगर मैं नहीं बताऊंगी और गलती से वो टॉपिक आ गया तो कल के दिन आप यही कहोगे कि मैम ने ये टॉपिक तो मेंशन ही नहीं करा था। कई बार कई चैप्टर्स में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें आप गेस नहीं कर सकते कि कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जेनेटिक में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक भी स्किप नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी टॉपिक्स मैं बता रही हूं प्लीज एक बार उनको अच्छे से देख जरूर लीजिएगा। डबल स्टार और स्टार मार्क करने के लिए जिनको कह रही हूं उनको सबसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। फिर हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आता है आपका डेफिनेशंस, डेफिनेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, स्टार मार्क करेंगे, डेफिनेशन ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, डेफिनेशन ऑफ होमोजाइगोसिटी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में स्टार मार्क करेंगे, डेफिनेशन ऑफ आउटब्रीडिंग,
outcrossing, interspecific hybridization star mark karenge, definition of mutation theory, somatic hybridization, meristem culture, germ plasm collection mein star mark karenge, definition of emasculation, what are the disadvantages of inbreeding, ye sab aapke very short answer type mein aate hain. Very short answer type mein do definitions bhi aati hain, pehli aati hai SCP jise ki hum single cell protein kehte hain aur dusri aati hai MOET multiple ovulation embryo transfer. To ye do definitions is chapter se aapko aani chahiye. Short answer type ki baat karein to differentiate between inbreeding and outbreeding star mark karenge. Short note likhne ko aa sakta hai apiculture pe. Methods of breeding for disease resistance is pe short note aa sakta hai aapko. Resistance of pest is pe bhi aapko short note acche se prepare karna hai. Short note on biofortification double star mark karenge. Biofortification kya hota hai is pe short note aapko aana chahiye. Short note on tissue culture double star mark karenge. Long answer type ki baat kare to what is plant breeding and what are the various steps involved in plant breeding, ye question aapko acche se prepare karna hai. Aapko ek ya do pages mein is answer ko attempt karna hoga, to content acche se learn kariyega. Dusra question aata hai what is MOET ya fir expand MOET and explain the procedure of its technology in cattle improvement, ye question bhi aap double star mark karenge. To long answer mein do topics aate hain, plant breeding kya hoti hai aur MOET kya hota hai. To second chapter se yahi sare important topics the. Teesra aata hai aapka microbes in human welfare, isme very short answer type mein aapki jo full forms aati hain wo aati hai LAB jise ki hum lactic acid bacteria kehte hain and BOD that is biochemical oxygen demand. Agar hum definitions ki baat kare to definition of baker's yeast kya hota hai, definition of fermenters star mark karenge, definition of brewer's yeast, baker's yeast, fermenters, brewer's yeast tino mein star mark karenge, what is biogas, definition of mycorrhiza star mark karenge, organic farming, biofertilizers and methanogens, methanogens mein bhi aap star mark karenge. To ye thi important definitions. Short answer type ki baat kare to process of formation of curd, ye question काफी बार पूछा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप की फॉर्म में, तो आपको प्रोसेस आनी चाहिए कि कर्ड कैसे फॉर्म होती है. शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, इसको अटेम्प्ट करते हुए जो बायोगैस प्लांट का आपका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो भी आप ड्रॉ करेंगे. तो शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस स्टार मार्क करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड स्टार मार्क करेंगे एंड यूज ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, माइक्रोब्स को पेस्ट कंट्रोल के लिए कैसे यूज किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स के लिए कैसे यूज किया जाता है, ये भी आपको आना चाहिए. लॉन्ग आंसर टाइप में एक ही क्वेश्चन बनता है दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट के डिफरेंट स्टेजेस क्या होती है, प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज. जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट वो आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है. तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं. तो अगर आपको लगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी एट ईस्ट फॉर द अपकमिंग videos. Thank you so much for watching the video.